वर्ष में फैले हुए इस सुंदर गार्डन को देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं यारी। अरे माँ, कितना सुंदर गार्डन है ये। चलो सेल्फी लेते हैं। देखो अपनी फोटो। ये तो पेड़ों के बीच में क्या दिखाई दे रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई बच्चा दो पेड़ों के बीच में उड़ रहा है। अरे हाँ, ये दो पेड़ों का फासला इतना है कि कोई बंदर जंप नहीं मार सकता है। देखो, एक पेड़ रास्ते के इस साइड में है और दूसरा दूसरी साइड में। ओ, मुझे मेरे पैर में यार, मेरी सेल्फी में भी पत्तियों के पीछे कुछ बच्चे जैसा चेहरा दिख रहा है। देखो, पेड़ के ऊपर टॉप से झांक रहा है। मतलब मेरे अंदर का जासूस जाग चुका है। चलो पेड़ पे चढ़ के पता करते हैं। उड़ बाबा, मेरे अंदर का ज्योतिषी ये जाग चुका है और वो बोल रहा है कि मुसीबत आने वाली है। होशियार, ये मैं कसीटा राम वाई पियर वन सिंगम इज हियर। चलो मोटो, पेड़ पर चढ़ के पत्ता करते हैं, देखते हैं। हम आज कोई ने समझाओ, मुसीबत आने वाली है। अरे माँ, ये क्या है? अम्मा, यार, यहाँ, बाबा, इधर भी नहीं है, कहाँ है? कहाँ है क्या? नहीं है। माँ, मतलब यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अब क्या करें? वो देखो, वो सबसे ऊंचा पेड़ है। चलो वहाँ चेक करते हैं। चलो चलो चलो, कम ऑन मोटू, कम ऑन। सॉरी मोटू, यस यस। ये क्या है? अरे ये किसका वॉलेट है? पता नहीं यहाँ कैसे आ गया। बचा लिया। अरे बहुत जोर से काटा रे। मेरी बात भी सही थी यारी। मतलब मेरे पीछे में किसी ने जोर से काटा, लेकिन तुम तो मेरे पीछे ही थे। तुमने कुछ देखा नहीं क्या? अरे मोटो, मैंने कुछ नहीं देखा। हम दोनों के बीच पेड़ों की पत्तियां आई थी। बेटा मेरी यारी, भैया दुखता है। अरे वही बच्चा होगा जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच उड़ रहा था। अगर उड़ सकता है तो हम भी उड़ सकते हैं। जगह फ्लाइंग हेलमेट निकाला। उनकी तरफ जाओ, हमारी तरफ नहीं। ओके चिंगम सर, कम ऑन गाइस। चिंगम सर, बच्चों और बच्चों, अरे मुझे ये सब क्या हो रहा है? पुलिस को फोन करो। चिंगम सर निशाना कहीं भी लगाए, टारगेट हम ही होते हैं रे।
मैं मेरी यार ये तो कंफर्म हो गया कि ये मंकी सी है, लेकिन हवा में उड़ कैसे सकते हैं? ये पता करने के लिए हमें फिर से ऊपर जाना होगा यार। मुझे तो लगता है कि मंकीज उधर वो जो बड़ा पेड़ है उसके पीछे कहीं गए होंगे। गुड, वेरी गुड माय किड्स। अब तुम लोग केले खाओ और पिंजरे में जाओ। जब ये लोग भाग जाएंगे तब अपना काम शुरू करेंगे। मैन वो देखो पतलू, वहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, चलो चल के देखते हैं। चलो। अब क्या आप हमें ये बताने का कष्ट करेंगे कि ये सब चल क्या रहा है? तो तुम लोग यहाँ भी आ गए मैन। तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? कुछ मंकीज खेल कूद रहे हैं तो खेलने कूदने दो ना मैन, क्यों उनके पीछे पड़े हो? प्रॉब्लम ये है कि तुम इन्हें कंट्रोल कर रहे हो, और अब ये बताओ तुम ये क्यों कर रहे हो? अभी बताता हूँ। बच्चों केले खाना बंद करो, कुछ मेहमान आए हैं, इनका स्वागत करो। अरे वाह, आपने तो इन्हें बहुत ही अच्छा ट्रेंड किया है, ये मेहमान का स्वागत भी करते हैं। अरे अरे ये स्वागत करने का कैसा तरीका है? भारी पड़ रहा है। अपरे अपरे इडली रे डोसा रे काटा रे। ओए सुन के बबुल वाले दू, आज की बात कभी भी सेल्फी नहीं खींचूंगा यार। ना सेल्फी खींचता, ना ये मंकी दिखता, ना ये मोटू के अंदर का जासूस जागता, और ना ये सब होता यार। बच्चों वापस जाओ और केला खाओ। अब बताओ मिस्टर, आप जो भी हो नाम क्या है आपका? मेरा नाम है साइंटिस्ट डिसूजा। तुम लोगों को खत्म करने से पहले बता ही देता हूँ कि सच क्या है, वरना तुम लोगों की अंतिम इच्छा पूरी नहीं होगी मैन। मतलब क्या है तुम्हारा, सच क्या है? मैंने एक फॉर्मूला बनाया जो किसी भी सिटी को एक पल में पूरा डिस्ट्रॉय कर सकता है। वो पेन ड्राइव में डाल के मैं यहाँ किसी को वो फॉर्मूला बेचने आया, लेकिन यहाँ के बंदर वो बैग मेरे से छीन के पेड़ों में भाग गए मैन। उस बैग के अंदर एक छोटे पाउच में वो पेन ड्राइव थी। आगे बोलते रहो, हम सुन रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की मैन वो पेन ड्राइव ढूंढने की, लेकिन ढूंढ ना सका। कंप्यूटर में बैकअप मैं डिस्ट्रॉय कर चुका था। ये फॉर्मूला खरीदने वालों की डील थी मैन, ताकि फॉर्मूला सिर्फ उनके पास रहे, और मुझे 100 करोड़ मिलने वाले थे मैन। 100 करोड़! फिर क्या, ये तो बताओ। फिर मैंने कुछ स्पेशल मंकीज ट्रेन किए और यहाँ लाया। आज उनकी ट्रेनिंग का फाइनल ट्रायल था मैन। फिर ये मंकीज ही मेरा वो पाउच ढूंढते, क्योंकि वो पाउच पेड़ों में ही कहीं पड़ा होगा मैन। बैग, ये पाउच बैग तो नीचे पड़ा मिल गया था मैन, लेकिन पेन ड्राइव वाला पाउच नहीं मिला था। तुम लोगों ने आके सब गड़बड़ कर दी मैन, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी मैन, जरूर मिलेगी। अरे साइंटिस्ट भैया सुनो, सुनो तो। तुम लोगों ने मेरे काम के बीच में आके मुझे गुस्सा दिलाया है मैन। मैं अब तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। सुन तो लो, एक बार मेरी बात सुन तो लो। अरे वो पाउच मेरे पास है, मुझे पेड़ पे मिला था।
देखो ये मेरा पेन ड्राइव मिल गया, मेरा पेन ड्राइव मिल गया। जाओ जाओ निकलो यहाँ से, मैंने तुम लोगों को माफ किया। अरे तुम क्या माफ करोगे, तुमने इन मंकीज को कंट्रोल में किया, हमें भी मारा, अब तुम नहीं बचोगे। तुम्हारी गलती को माफ भी नहीं, सजा है डिसोसा। जाओ बच्चों, तुम आजाद हो, लेकिन कभी किसी को तंग नहीं करना, खुश रहो, बाय। किसी सिटी को डिस्ट्रॉय करने का फॉर्मूला बनाने के बजाय कोई अच्छे काम में फॉर्मूला यूज करते तो तुम्हें जेल नहीं होती। अब जेल में जाके चक्की पीसने का फॉर्मूला बनाना। मैं ये कहाँ फंस गया, फोटू पत्तू के चक्कर में मैन।